एक कर्नाटक हाई कोर्ट के जज एस कृष्ण दीक्षित का ये कहना कि पोस्को के मामले में वीएस येदुरप्पा को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं जो सेलेक्टिव और बायस्ड नज़रिया है जुडिशरी का मोदी गवर्नमेंट में रिजीम में, उसका एक ताज़ा उदाहरण है। क्योंकि हम लोगों ने यही देखा कि किस तरीके से एक सिटिंग मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को और हेमंत सोरेन जी को तो जेल में भेजा गया, वहाँ ये कहीं सवाल नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं, रिप्यूटेड लोग हैं, भाग नहीं जाएंगे, उनके ऊपर चार्जेज भी कम आपराधिक थे। लेकिन यहाँ पे नाबालिग बालिका के साथ जो शोषण का मामला है, जिस पॉस्को का मामला है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसमें अगर इम्प्यूनिटी दी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री के होने के नाम पे, तो ये कहीं ना कहीं कानून का मजाक है। और ऐसा लगता है कि चंद्रचूड़ जी के कार में, जो अपने को बहुत चुस्त दुरुस्त सीजीआई बनाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, उसमें शायद कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं ये सिद्धांत अब दम तोड़ चुका है। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि बरेली के एक जज ने एक फैसले में ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ प्लूटो के दार्शनिक राजा को एम्बॉडीमेंट करते हैं, उस सिद्धांत को जस्टिफाई करते हैं। ये न्यायपालिका की भाषा नहीं हो सकती है, ये तो सरकार के आगे रेंगती हुई न्यायपालिका की भाषा हो सकती है। और ये काम धारणा बनती जा रही है समाज में कि सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जुडिशरी कुछ नहीं बोलता, कई बार चीफ जस्टिस सिर्फ बोलते हैं कुछ करते नहीं हैं। और जो वैचारिक एजेंडे हैं आरएसएस से जुड़े हुए, चाहे वो 370 का हो, चाहे प्रेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, उस पर तो सरकार के आगे कोई भी सवाल या निशान लगाने का साहस जुडिशरी नहीं कर पा रही। एक आम धारणा बनती जा रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।